हमें देगा. And his wisdom can only come through the working of the cross in our lives. और उसकी बुद्धिमत्ता हम तक केवल क्रूस के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है. परमेश्वर सहायता करें. And my heart's cry और मेरे हृदय की पुकार. And my heart's determination और मेरे हृदय का निर्णय is to be part of this company in the earth in these days. और वो ये है कि इस पृथ्वी के ऊपर मैं इन लोगों के झुंड में एक भाग. And remember, और इस बात को स्मरण करें. God had just one man in those days. और उन दिनों में परमेश्वर केवल एक पात्र व्यक्ति. Then he said, "Have you considered my servant Job?" और जहां पर उसने कहा कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब की ओर भी ध्यान दिया है? One man, एक व्यक्ति. One man, एक व्यक्ति. To answer the challenges of the evil one. कि उस दुष्ट की सारी चुनौतियों का उत्तर दे. May God open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोले. May God open our eyes, saints of God. परमेश्वर हमारी आंखों को भी खोले. परमेश्वर के प्रिय लोगों. The greatest iniquity in the world, in this universe. सबसे बड़ी बदी इस संसार और उस पूरे. Is going to be overthrown. Is going to be overthrown. और उसको गिरा दिया जाएगा. The greatest iniquity and lie is going to be overcome. और वो सबसे बड़ा असत्य और बदी उस पर विजय प्राप्त होगी. In and through a people. एक लोगों के जरिए और उनके बीच में. As we read in Ephesians chapter 3. और जैसे एफिसियों की पुस्तक तीसरे अध्याय. The many-sided, complicated wisdom of God shall be made known to principalities and powers through the church. और वो जटिल और कई गुणों की परमेश्वर की बुद्धिमता उस प्रधानताओं और सामर्थ्यों को बताई जाएगी कलीसिया के द्वारा. We are living in times of great lie. और हम एक बहुत बड़े असत्य के समय में रह रहे हैं. Great lie. महान असत्य. There never was a time such as this in which we are living. ऐसा समय कभी नहीं आया था जैसा समय अब है जिसमें. When the lie has reached greater proportions. और जबकि वो झूठ जो है बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है. They shared, it's almost reaching up to heaven. और जैसे मैंने बतलाया कि वो असत्य जो शत्रु का है वो स्वर्ग तक पहुंचने वाला है. Everything is centered around man and his welfare. प्रत्येक वस्तु मनुष्य की केंद्रित हो रही है और उसकी भलाई के लिए है. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों. What is your desire? आपकी इच्छा क्या है? Humanism, मानववाद, is so much in the gospel circles today. सुसमाचार के दायरों में इतना अधिक फैल चुका है. So much into the church today. इतना अधिक कलीसिया के भीतर भी है. So much into the teaching today. और शिक्षाओं में भी परमेश्वर के लोगों के अंदर शिक्षाओं में भी इतना अधिक आ चुका है. But God is going to counter all these lies in and through people. परंतु परमेश्वर इस सारे असत्य का सामना एक लोगों में और उनके द्वारा करेगा. But in your life and mine. परंतु आपके और मेरे जीवन में. God is wanting to do a work in these days. परमेश्वर इन दिनों में एक कार्य करना चाहता है. That is why this lie should never have a part in our lives. और इसी कारण से ये असत्य जो है वो हमारे जीवन का भाग कभी ना बन पाए. You know, that's why we need to be so sensitive and careful in our day-to-day lives. और इसी कारण से हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही संवेदनशील और सावधान होने की आवश्यकता है. God has his answer in a people. परंतु परमेश्वर का उत्तर एक लोगों में है. God has his answer against or to counter this lie. और परमेश्वर के पास उत्तर है इस असत्य का विरोध करने के लिए और उसका सामना करने के लिए. God has his answer, you know, against this lie. इस असत्य के विरुद्ध परमेश्वर के पास उत्तर है. Yes, and it is in a people. और वो एक लोगों में है. In a people who are broken, shattered, एक ऐसे लोग जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं,
और जो कमजोर है. God is working in a people today. परमेश्वर एक लोगों में कार्य कर रहा है. What do you experience in these days? इन दिनों में आप किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? What are you experiencing in your personal life? अपने व्यक्तिगत जीवन में किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? What work are you experiencing within you? वो कौन सा कार्य है जो आप अपने भीतरी भागों में अनुभव कर रहे हैं? Such a people are being emptied from vessel to vessel. इस प्रकार के लोग एक पात्र से दूसरे पात्र में उंडेले जा रहे हैं. They have been emptied out to the very last drop in their lives. और उनके जीवन के अंदर अंतिम बूंद जो थी उसको भी उंडेल दिया गया है. They are in a place where they are thrown back to the Lord because they have no other way and place. वो एक ऐसे स्थान में पहुंच चुके हैं जहां पर के उनको प्रभु के सम्मुख फेंक दिया गया है क्योंकि अब उनके पास कोई और दूसरा स्थान या कोई जरिया नहीं बचा. Where they say, जहां वो कहते हैं, He is our wisdom. वो ही हमारी बुद्धि है. It's not a teaching. ये कोई शिक्षा नहीं. It is not a theological teaching. Now He is become our wisdom. और ये कोई थियोलॉजी की शिक्षा नहीं जहां पर उनको बतलाया जाता है कि It's not an objective truth that He is the wisdom. It is not an objective teaching. और ये कोई ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य की शिक्षा नहीं जिसको प्राप्त करना है. You know where it says that He has become your wisdom. और जहां पर वो कहें कि वो तुम्हारी बुद्धि अब बना. But this is worked into their lives. परंतु ये उनके जीवनों में एक कार्य के द्वारा It has been constituted that He is their wisdom. और उनके अंदर इस चीज को बनाया गया है कि वो तुम्हारी बुद्धि है. Yes. Worked into their lives. ये कार्य उनके जीवनों में किया गया. He is our strength. और वो ही हमारी सामर्थ्य है. He has become our strength. और वो हमारी सामर्थ्य बन चुका है. He has become our wisdom through that working of God, that shatteredness, that brokenness, those sufferings in their lives. परमेश्वर के उन कार्यों के द्वारा वो बिखर जाना, वो टूट जाना, वो कष्टों और संकटों में से गुजरना, उसके द्वारा उस पर हम निर्भर होने लगे. He has become our life. वो हमारा जीवन बन चुका है. He has become our very breath. और वो हमारा सांस बन चुका है. And such a people mean something precious to the Lord. और Hallelujah. इस प्रकार के लोग Such a people. इस प्रकार के लोग बहुत बहुमूल्य हैं. Oh, Job was a precious vessel unto God. अय्यूब परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य पात्र था. Even his wife could not see God's wisdom in this man's life. यहां तक कि उसकी पत्नी भी परमेश्वर की बुद्धि को इस व्यक्ति के जीवन में नहीं देख सकी. His friends, उसके मित्र, his people around, चारों ओर के लोग, they could not see God's wisdom in this man's life. वो इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बुद्धि को नहीं देख सके. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I stand so encouraged in my spirit. मैं अपनी आत्मा में इतना उत्साहित होकर खड़ा हूं. And I share this with deep convictions upon my own heart. और मैं इन बातों को अपने हृदय की गहरी एहसासों के साथ बांट रहा हूं. This is the cry of my heart. ये मेरे हृदय की पुकार है. Lord, I want to be part of such a people. कि हे प्रभु, मैं ऐसे लोगों के साथ एक भाग बनना And चाहता this हूं. This company is so different from what we see today in the spiritual world. और ये झुंड जो है बिल्कुल विभिन्न है उस झुंडों से, उन लोगों से जो आत्मिक संसार में हम देखते हैं. They are not reckoned by majority in this hour. बहुसंख्या उनको इस वर्तमान समय में मान्यता नहीं देती. But they are precious to the Lord. परंतु वो बहुत बहुमूल्य हैं प्रभु के they लिए. They are precious to the Lord, saints of God. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो प्रभु के लिए बहुत बहुमूल्य हैं. And also may there be a desire within us to give into God's wisdom. And His workings in our lives. और हमारे भीतर यही इच्छा हो कि हम परमेश्वर की बुद्धि और उसके कार्यों के लिए अपने जीवन को दे दें इन दिनों में. His wisdom.
उसकी बुद्धि may work in us. हमारे भीतर कार्य करे. That our spiritual eyes may be more and more open to see. कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं और भी अधिक हम देख सकें. The difference between the Lord and ourselves. उस अंतर को जो कि प्रभु और हमारे बीच में है. That God would work upon our lives. कि परमेश्वर हमारे जीवनों पर कार्य कर सके. That distance is the difference. वो दूरी ही अंतर है. The difference between us and the Lord. और वो अंतर जो हमें प्रभु के बीच में है. In our minds and in our thoughts, in our hearts. और वो अंतर जो हमारे मस्तिष्कों में, हमारे विचार धारणाओं में, हमारे हृदयों में है. Our spiritual eyes may be open to see the otherness of Christ. और कि हमारी आत्मिक आंखें खोलकर देख सकें मसीह को एक दूसरे रूप में. The otherness of Christ. Christ is always other than what we are. और मसीह सदा ही दूसरा है जो हम हैं, उससे दूसरा है, वो अलग. He is other than what we are. और जो हम हैं वो उससे अलग है. That is what we call the otherness of Christ. और इसीलिए हम कहते हैं कि मसीह के उस दूसरेपन को. The vast expanse between the Lord and ourselves. वो चौड़ा फासला या दूरी जो प्रभु और हमारे बीच में है. The desert expanse between the Lord and ourselves. एक मरुस्थल आप हम में और प्रभु के बीच में है, आ गया है. Which lies between we and the Lord Jesus Christ. और वो मरुस्थल जो है वो हम में और प्रभु यीशु मसीह के बीच. He is altogether other than what we are in ourselves. और हम जो अपने बीच में जो कुछ हैं, प्रभु बिल्कुल उससे विभिन्न है. And this is where God wants to work. और यहीं पर परमेश्वर कार्य करना चाहता है. And that goes much deeper than we realize. और वो बहुत गहरा जाता है जितना कि हम समझ सकते हैं, उससे अधिक. Yes. You know, we can understand these things mentally even this morning. आज सुबह इन वस्तुओं को हम अपने मस्तिष्क में समझ सकते हैं. We can receive it mentally. इसको मस्तिष्क में हम ले सकते हैं. And we can appreciate this thought and this word. इस वचन को और इस विचार की हम प्रशंसा भी कर सकते हैं. But the cry of our hearts ought to be, Lord, I want a registration in my spirit these days. परंतु हमारे हृदय की पुकार और प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु ये चीजें जो हैं मेरे हृदय और मेरे जीवन में समो जाएं. Lord, many a time there had been a very poor registration in my spirit while I understood these things in my mind. बहुत सी बार ये चीजें जो हैं उसका बहुत ही थोड़ा अंश मेरी आत्मा में समा सका क्योंकि मैंने इन सारी वस्तुओं को मस्तिष्क में ही समझा. As one of our brothers prayed this morning. और जिस प्रकार से हमारे एक भाई, Lord, we have come for many camp meetings. हम बहुत सी कैंप की सभाओं के लिए आए हैं. But our lives did not change. परंतु हमारे जीवनों में परिवर्तन नहीं हुआ. What is happening within our own lives? हमारे खुद के जीवनों के भीतर क्या हो रहा है? May we be open to the Holy Spirit this morning. आज सुबह हम पवित्र आत्मा के लिए खुल जाएं. We may say to the Lord, Lord, I believe your word. हम प्रभु को कह सकते हैं कि हे प्रभु, तेरे वचन का मैं विश्वास करता हूं. While it is good, it is not enough for us. जबकि ये भला है तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है. But we need to go further and give in ourselves to that work of God in these days.
परंतु उससे भी आगे बढ़कर हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के उस कार्य के लिए समर्पित कर दें. Even as we mentioned yesterday, और जब हमने कल भी इस बात का वर्णन किया, we have an evangelical Christianity around us, हमारे चारों ओर एक प्रचार करने वाली मसीहत है, which believe that we come into everything when we are born again, जिनका विश्वास यह है कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो समस्त वस्तुओं में हम प्रवेश कर जाते हैं. That is the feeling of majority of people around us. और यही एहसास है बहुसंख्या उन लोगों की में जो हमारे चारों ओर है. When we are born again, और जब हम नया जन्म पाते हैं, our faculties, हमारी योग्यताएं जो our abilities, हमारी योग्यताएं are now over into or given unto the Lord. और वो सब प्रभु को दे दी जाती हैं. Now we use them for Christ rather than for the world. अब हम उनका उपयोग मसीह के लिए कर सकते हैं बजाय संसार के लिए. Now that's the understanding I had. और इस प्रकार की समझ मुझे भी थी. I used to use my talents at one time for the world, but now I use it for Christ. और मैं अपनी योग्यताओं को एक समय में संसार के लिए प्रयोग करता था, परंतु अब मैं मसीह के लिए करता हूँ. My faculties I used to use for the world. और मेरे अंदर जो योग्यताएं और काबिलियत थी वो मैं संसार के लिए Now we use it for the Lord. अब हम प्रभु के लिए इसको करते हैं. You know, this is the teaching I received when I was born again. और जब मेरा नया जन्म हुआ तो इस प्रकार की शिक्षा मैंने भी प्राप्त की. You used to play guitar. और हम मैं गिटार बजाया करता था. You used to play. I did not say I used to play. Sorry. और तुम गिटार बजाया करते थे. You used to play guitar at one time. और एक समय में गिटार बजाया करते थे. You used to play the pop music at one time. और पॉप म्यूजिक का प्रयोग करते थे. Now you are a born again child of God. और अब आप एक नया जन्म पाए. Now you play it for Christ. और अब मसीह के लिए आप बजा रहे हैं. You used to sing the popular music at one time. और पॉप म्यूजिक था एक समय उसको गाया करते थे. But now you sing special numbers in the church. परंतु अब कलीसिया के अंदर विशेष नंबर. Do you understand my language? क्या आप मेरी भाषा समझते हैं? This is what the evangelical Christianity taught me when I was born again. और जब मेरा नया जन्म हुआ तो वो प्रचार करने वाली मसीहत जो थी उसने मुझे यही This is what understanding I had. और इस प्रकार की समझ मेरे पास थी. But I thank God for God changed my mentality and my understanding as the Holy Spirit came in. परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी समझ को और मेरी अकल को परमेश्वर ने बदल दिया जबकि पवित्र आत्मा मेरे भीतर आया. You know, for many people this means consecration unto the Lord. और बहुत से लोगों के लिए इसका अर्थ यही है कि मसीह के लिए अपने आप को समर्पित कर देना. This means surrendering ourselves to the Lord. और जिसका अर्थ यह है कि अपना समर्पण हम प्रभु के लिए कर देते हैं. These are the terms that are commonly used among believers. और ये चीजें जो है वो विश्वासियों के अंदर इसका प्रयोग कि हमने अपने आप को अलग कर दिया है. We have consecrated our gifts, और अपने जो वरदान थे उनको अलग कर दिया. Our faculties, हमारी जितनी योग्यताएं थी. You know, to the Lord and His service, और अब उनको प्रभु और उसकी सेवा में लगाया है. That's what we see all around us. और यही हम अपने चारों ओर देखते हैं. But consecration is much more than that, saints of God. परंतु समर्पण जो है वो इससे भी बहुत अधिक ऊंचा है. But consecration is much more than that. और उससे भी बहुत ऊंचा है वो. And our eyes must be open to see that. और हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि हम उसे देख सके. Many people think that consecration means we just, you know, lay certain things and say, Lord, they are now going to be yours. बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करने का अर्थ यह है कि बहुत सी चीजों को त्याग देना और कहना कि प्रभु अब इन चीजों को त्याग कर मैं तेरी ओर आता हूँ. That is the way we think about consecration. और इसी प्रकार से हम इस समर्पण को देखते हैं. But consecration, as you read through the Word of God, is more than just saying something and giving something to the Lord. परंतु
ये समर्पण जो है जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वो इससे बिल्कुल विभिन्न है जो हम कहते हैं. It is much deeper than that. वो उससे बहुत गहरा है. Consecration means we are allowing the Lord to take over. और अपना समर्पण देने का अर्थ यह है कि हम प्रभु को अनुमति देते हैं कि वो अब अपना कब्जा हम पर कर ले. Consecration is the Lord taking us over. और उस समर्पण का अर्थ यह है कि अब प्रभु के हम स्पुर्द हो गए हैं, हमने अपने आप को उसको सौंप दिया है. It is not saying, Lord, I give this to you. और ये कहना नहीं कि प्रभु ये मैं तुझे देता हूं. But consecration means the Lord taking it over. परंतु समर्पण का अर्थ यह है कि प्रभु. Faith in the Father and faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble. Christ Jesus, can anything break? Faith in the Father and faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus, can anything break? Faith in the Father.